Hello friends, my name is Pardeep Negi and I am working as a postdoc economics lecturer in Government Inter College BHL Haridwar. आज हम PPT में सीखेंगे कि कैसे वीडियो का शानदार निर्माण किया जा सकता है। तो इसके लिए हम PPT में कुछ स्लाइड बनाएंगे, उसके बाद साउंड रिकॉर्डिंग करेंगे, फिर उन रिकॉर्डिंग को हम एडिटिंग करेंगे और उसके बाद फाइल को हम कंप्रेस करेंगे। फाइल कंप्रेस करने के बाद हम फाइल को सेव या एक्सपोर्ट करेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो अब चले वीडियो का निर्माण करने। तो अब हम सबसे पहले पीपीटी से वीडियो बनाना सीखेंगे। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे ये पीपीटी की फाइल है, इसको हम ओपन कर लेंगे। और मैंने इस पीपीटी फाइल में कम से कम 8 स्लाइड बनाई हुई है और इन 8 स्लाइड को जोड़ते हुए हम एक वीडियो का निर्माण करेंगे। तो वीडियो के लिए आपको पता है कि साउंड का होना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए हम सबसे पहले इंसर्ट में जाएंगे और यहाँ पे आप देख रहे ऑडियो, ऑडियो में जाकर हम रिकॉर्ड ऑडियो लेंगे। दोनों में सिखाऊंगा, रिकॉर्ड ऑडियो। जैसे आप इसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने बटन दिखाई दे रहे हैं, तो रेड वाले बटन को आप जैसे क्लिक करोगे तो ये साउंड रिकॉर्ड होना शुरू हो जाएगा, जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये यहाँ पे नंबर आएंगे, जब आप चाहो इसको यहाँ पे स्टॉप कर सकते हो। तो जैसे आपने स्टॉप करा, ओके करोगे, तो यहाँ पे आपका ये साउंड रिकॉर्ड हो जाएगा। इसको आप यहाँ से सुन सकते हो, जैसे आप क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे होना शुरू हो जाएगा, जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो ये था हमारा साउंड, ये रिकॉर्ड सिस्टम, ये जो साउंड है ये। और आप चाहते हैं कि ये स्क्रीन पे ना दिखाई दे जब हम वीडियो बनाए, तो इसकी जो प्रॉपर्टीज है हम इसको डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे प्लेबैक आएगा। प्लेबैक में ये ऑन क्लिक है तो हम इसको ऑटो कर देंगे ऑटोमेटिकली। और हाइड ड्यूरिंग शो, तो यहाँ पे हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे। तो जैसे हम इसको प्ले करेंगे तो ये हमें आइकन दिखाई नहीं देगा, जैसे हम यहाँ से क्लिक करेंगे तो ये दिखाई नहीं देगा, साउंड रिकॉर्ड होना शुरू हो जाएगा। तो अब हम इसको डिलीट कर देते हैं और दूसरा तरीका भी देखते हैं कि कैसे हम दूसरे तरीके से साउंड को इंसर्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए हम ऑडियो माई पीसी, इसके लिए मैंने सारी स्लाइड्स के लिए पहले ही रिकॉर्डिंग कर रखी है, जिसको मैं यहाँ केवल इंसर्ट करूंगा। तो डेस्कटॉप पे हम जाएंगे, डेस्कटॉप को वैसे मैंने सेलेक्ट किया, तो ये मीडिया वन हम ये फाइल चुन लेंगे। तो जैसे मैंने क्लिक किया और इंसर्ट किया तो आप देखेंगे कि ये जो आइकन है यहाँ पर आ गया। और इसको जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो आपको साउंड इकोनॉमिक्स वर्चुअल क्लासेस में आप सभी का। तो ये दो तरीके हैं जिससे आप साउंड को इंसर्ट कर सकते हैं। तो अब हम इसको भी हाइड कर देंगे, इसको भी मैं प्रॉपर्टीज देखता हूँ, इसको मैं ऑटोमेटिकली और हाइड ड्यूरिंग स्लाइड शो। अब क्या होगा, जब हम इसको स्लाइड शो करेंगे तो ये आइकन दिखाई नहीं देगा। इसी प्रकार हम सारी स्लाइड्स में ऐसी मैंने यहाँ पे रिकॉर्डिंग कर रखी है, आप देखेंगे तीसरी स्लाइड में भी रिकॉर्डिंग की हुई है यहाँ पर। तो सारी स्लाइड्स में मैंने रिकॉर्डिंग कर ली है। अब हम यहां से फाइल में जाएंगे और फाइल में जाके हम सबसे पहले इसको कंप्रेस करेंगे, क्योंकि कंप्रेस करने से जो हमारी एक्स्ट्रा साउंड फाइल्स होंगी या हमारे एनिमेशन होंगे या कुछ होंगे वो कंप्रेस हो जाएंगे, इससे हमारा जो वीडियो बनेगा वो उसकी फाइल थोड़ी शॉर्ट बनेगी। तो कंप्रेस जैसे करेंगे, आप कौन सी वाली क्वालिटी में अपना वीडियो बनाना चाहते हैं, तो प्रेजेंटेशन क्वालिटी में बनाओगे तो बहुत ज्यादा ये स्पेस घेरेगा, तो मोस्टली हम लोग इंटरनेट क्वालिटी में वीडियो को बनाते हैं। तो इंटरनेट क्वालिटी में हम कंप्रेस करेंगे, तो आप ये देख रहे हैं यहाँ ऑलरेडी कंप्रेस आ गया है क्योंकि मैं पहले भी इनको कंप्रेस कर चुका हूँ। तो यहाँ पे हम क्लोज कर देंगे। अब हम एक्सपोर्ट में जाएंगे और एक्सपोर्ट में हम यहाँ पे क्रिएटिव वीडियो को चुनेंगे। जैसे हम इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देखो ये तीन ऑप्शन पूछ रहा है, प्रेजेंटेशन क्वालिटी जो 1920x180 पिक्सल में बनेगी, और इंटरनेट क्वालिटी 1280x720 और लो 852x480। तो हम इंटरनेट क्वालिटी ले लेंगे क्योंकि सबसे बेस्ट रहती है, ये फाइल को सेव करने में आसानी होती है और सेंड करने में भी आसानी होती है किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म पर।
अगर हम इसमें बनाएंगे इसमें क्वालिटी बहुत अच्छी होगी, लेकिन ये फाइल बहुत बड़ी साइज की बनेगी और जिसको सेंड करने में हमें दिक्कत आएगी। तो हम इंटरनेट क्वालिटी ले लेते हैं। जैसे हम इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा क्रिएटिव वीडियो। अब हम क्रिएटिव वीडियो को ऑप्शन जैसे हमने चुना तो ये पूछेगा कि आप फाइल कहाँ सेव करना चाहते हो। तो हम इसको डेस्कटॉप पे करना चाहते हैं तो डेस्कटॉप पे हम क्लिक कर लेंगे और फाइल का नाम दे देंगे वीडियो इकोनॉमिक्स वीडियो। और आप देख रहे हैं यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है MPG4 वीडियो, तो यहाँ पे भी हम क्लिक करेंगे, दो ऑप्शन आते हैं विंडो मीडिया वीडियो, इसको अगर हम चुनेंगे तो ये फाइल वीडियो तो बनेगा लेकिन ये सिर्फ विंडो में चलेगा और किसी प्लेटफॉर्म पे ये रन नहीं होगा। इसलिए MPG वीडियो ऐसा प्लेटफॉर्म है जो सब पे रन होता है। तो हम इस डिफॉल्ट MPG4 वीडियो को चुनेंगे और सेव करेंगे। जैसे आप इसको सेव करने लगोगे तो आपके सामने एक मैसेज यहाँ पे दिखाई देगा क्रिएटिंग वीडियो इकोनॉमिक्स, यहाँ पे देखो MP4। तो यहाँ पर ये वीडियो बनना शुरू हो रहा है और ये थोड़ा सा समय लेगा यहाँ पे वीडियो बनते समय। तो ये मूव कर रहा है, आप जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे, तो आपने देखा कि हमारी वीडियो यहाँ पर बन रही है, क्रिएटिंग वीडियो ये बन चुकी है। अब हम इसको देखते हैं कि हमारी वीडियो कैसी बनी है। तो हम इसको मिनिमाइज करेंगे और आप देख रहे हैं यहाँ पे ये वीडियो आ गई है इकोनॉमिक्स वीडियो। अब हम इसको डबल क्लिक करेंगे तो ये वीडियो प्ले होना शुरू हो जाएगा। ये 16.8 MB की बनी है, तो अगर हम इसको कंप्रेस नहीं करते तो ये और बड़ी बन सकती थी। तो कंप्रेस करना बहुत जरूरी है अपनी वीडियो फाइल को। और आप देखिए अभी ये प्ले हो। इकोनॉमिक्स वर्चुअल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। अर्थशास्त्र विषय के अंतर्गत आज हम आर्थिक समस्या क्या है उसके बारे में यहाँ पे वीडियो बनी है और हम इसको फास्ट फॉरवर्ड करके देख लेते हैं। अर्थशास्त्र की अध्ययन है जिनके वैकल्पिक प्रयोग हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं। आपके पास धन है और आपकी इच्छा कुछ करना पड़ेगा, कैसे किया जाए? तो आपने देखा कि हमारी वीडियो बनी। ये था बहुत ही आसान तरीका PPT के माध्यम से वीडियो का निर्माण करना। तो अब आप सभी सीख गए होंगे कि PPT से वीडियो कैसा बनाया जा सकता है और बहुत ही आसान तरीके से। धन्यवाद। अर्थशास्त्र विषय को और अच्छे से समझने के लिए आपको इकोनॉमिक्स वर्चुअल क्लासेस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।